नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्विच बोर्ड का कनेक्शन देखते हैं कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये हमारा एक स्विच बोर्ड है जिसमें चार स्विच लगे हुए हैं। इन चार स्विच से हमें चार बल्ब को कंट्रोल करना है। तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो ये हमारे दो तार यहाँ पर आउटपुट निकले हुए हैं जो हमारा फेज और न्यूट्रल के लिए है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे दो तार है फेज और न्यूट्रल के लिए। इसमें हमारा एक तार फेज का है और एक तार न्यूट्रल का है। और यहाँ पे हमारा ये स्विच बोर्ड है। तो इस स्विच बोर्ड में पहले हम लोग देखते हैं जो नीचे का टर्मिनल है, नीचे का टर्मिनल को सारे को हम लोग क्या करना है, आपस में शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये हमारा स्विच के नीचे का टर्मिनल है। इन सबको हमने आपस में शॉर्ट किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब आपस में शॉर्ट किए हुए। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एक तार छील करके आप डायरेक्ट सबको सीधा सीधा लगा सकते हो, जोड़ सकते हो। और फिर यहाँ पे हमने ये तार जोड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा मेन फेज का तार है। ये आपको दिख रहा होगा जिसमें गांठ बंधा हुआ है, ये हमारा मेन फेज का तार है जो हमारे स्विच के नीचे के टर्मिनल में जुड़ गया है। तो इस पूरे स्विच में हमारे क्या आ गया है, फेज सप्लाई आ गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके आउटपुट में क्या क्या है। तो यहाँ पे चार स्विचें हैं, तो यहाँ पे हमने चार आउटपुट निकाला हुआ है, 1, 2, 3, 4। इन चारों को हम लोग कहाँ पे ले गए हैं, ऊपर जो बल्ब हमारा कनेक्ट किया गया है उसमें ले गए हैं। तो आइए देखते हैं पहले वाले को। पहला जो हमारा आउटपुट तार निकला है उसको हम लोग ट्रेस करते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा गया हुआ है सबसे लास्ट वाले उधर वाले बल्ब में गया हुआ है और वो जा करके एक टर्मिनल में लगा हुआ है। तो आपको यहाँ से सीधा तार निकाल करके आपको वहाँ पर होल्डर में डायरेक्ट ले जाना है, बीच में कहीं पे कुछ कटिंग नहीं करना है। फिर दूसरे वायर को देखते हैं। तो दूसरा वायर जो हमारा है वो जा रहा है सीधे सेकेंड वाले में, सेकेंड होल्डर में जा रहा है। वहाँ पे आपको एक टर्मिनल में आपको कनेक्ट कर देना है फेज का वायर, ठीक है। आइए देखते हैं जो तीसरा हमारा है, तीसरा स्विच में जो आउटपुट निकला है, ये हमारा तीसरा, इसका आउटपुट निकल रहा है। इस तीसरे को हम लोग कहाँ पर ले गए हैं, ये देखिए हमारे तीसरे बल्ब में गया हुआ है, उसके एक टर्मिनल में लगा देना है। फिर हमारा जो चौथा स्विच है, चौथा स्विच हमारा इधर से गया हुआ है, ये हमारा चौथा है। इस चौथा स्विच कहाँ पे गया हुआ है आप वहाँ पे चेक करेंगे तो लास्ट बल्ब में हमारे गया हुआ है। तो ये हमारा फेज का कनेक्शन हो गया है, मतलब इनपुट सबके नीचे में इनपुट फेज जोड़ देना है और ऊपर के टर्मिनल से एक एक तार को क्या करना है, सीधे हमारे बल्ब होल्डर में ले जाना है टर्मिनल पे। अब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन बचता है दोस्तों, तो आइए देखते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था, इधर जो गांठ बंधा हुआ है ये हमारा फेज का तार है, इसको हमने ट्रेस किया हुआ है, और ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो न्यूट्रल का वायर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉकेट नहीं लगा हुआ है इसलिए न्यूट्रल का वायर का यहाँ पर कोई काम नहीं है इस स्विच बोर्ड में, ये डायरेक्ट चला जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल का तार है, ये डायरेक्ट जा रहा है कहाँ पे, हमारे बल्ब होल्डर में। तो आइए देखते हैं, ये हमारा आया है कहाँ पे, यहाँ पे होल्डर में, इस होल्डर में आपका आया हुआ है न्यूट्रल का वायर। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा तार है, ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और यहीं से फिर हमने न्यूट्रल कहाँ दे दिया है, इस आगे वाले में, ठीक है। और यही इधर से ही जो हमारा न्यूट्रल है वो फिर आगे बढ़ गया है कहाँ, इस बल्ब में, इस होल्डर में हमने एक न्यूट्रल लगाया है और फिर यहीं से हमने न्यूट्रल उठा करके लास्ट बल्ब में दे दिया है। तो ये फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया हमारे पूरे बोर्ड में। तो ये हमारे स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो गया है। तो आइए हम लोग इसका पूरी फिटिंग करके फिर इसको हम चालू करके देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। चलिए तो इसके हम लोग फिटिंग करते हैं। ये हमारा फिटिंग हो चुका है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये चार स्विचें हैं, ये चार स्विच के लिए हमारा चार बल्ब लगा हुआ है और ये पैरेलल कनेक्शन में बना हुआ है, जैसे हमने वायरिंग आपको दिखाया है इसका। तो आइए इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं। तो पहला स्विच हम लोग ऑन करते हैं, जैसे पहला स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो ये साइड वाला बल्ब हमारा जलेगा, जैसे कि बताए थे कि भाई इसका जो तार है वो उसमें गया हुआ था लास्ट वाले में। अब दूसरे वाले को ऑन करते हैं, दूसरे स्विच को ऑन करने पर उधर से हमारा जो दूसरे नंबर पर बल्ब है वो चालू होगा। अब तीसरे वाले को करते हैं तो ये तीसरा बल्ब भी हमारा चालू हो गया। अब चौथा वाला स्विच को करते हैं तो ये हमारा चौथा बल्ब भी चालू हो गया। अब ये जो बल्ब हम जिस स्विच से हम चालू कर रहे हैं उसी स्विच से हम इसको बंद कर पाएंगे, दूसरे कोई स्विच से बंद नहीं कर पाएंगे। तो अब इधर हम लोग ऑफ करते जाते हैं,
तो जिससे हमने चालू किया था ये उसी स्विच से बंद भी होगा। यानी कि एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है। और ऐसा ही कनेक्शन हमारे घर के बोर्ड में होता है जिससे हम लोग एक स्विच से चालू और बंद करते हैं, उसी स्विच से ऑन करेंगे और उसी स्विच से ऑफ भी करेंगे। तो ये हमारा हुआ चार स्विच का कनेक्शन एक स्विच बोर्ड में। तो इसी तरह से आप इसमें और भी स्विचेस जोड़ सकते हैं और कनेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।